अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों कैसे हैं आप। रियलमी 7i की कल प्राइस निकल कर आ चुकी है, 40,000 इसकी प्राइस रखी गई है। तो क्या ये ठीक है फ़ोन 40,000 की प्राइस में, या इसके अलावा और भी फ़ोन है जो कि इससे कम कीमत के अंदर आपको अच्छी स्पेसिफिकेशन दे देते हैं, चाहे आपने कैमरा फ़ोन लेना हो, गेमिंग फ़ोन लेना हो, या रीसेल वैल्यू को देखते हुए फ़ोन लेना हो। तो सभी आपको मैं बताता हूँ। सबसे पहले इसकी बात कर ले, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि इसकी प्राइस होगी वो 33,000 मैक्सिमम, डिस्काउंट वगैरह करके 32-31,000 तक मिल जाएगा ये फोन आपको जो इसमें चिपसेट लगाया गया है, क्योंकि ओप्पो का F17 वाला फोन आया 40,000 की प्राइस में, सेम यही स्पेसिफिकेशन है उधर, और रैम वेरिएंट भी यही है 8GB 128GB वाला, और वो वाला फोन थोड़ा स्लिम है। तो इस वाले फोन की प्राइस इसलिए भी आप ज्यादा कह सकते हैं कि वो वाला फोन इतना महंगा ना लगे आपको, जबकि ये दोनों फोन बिल्कुल ओवर प्राइस्ड के अंदर हैं, चाहे आप स्लिम को देखते हुए फोन लेना चाहते हैं या रीसेल वैल्यू को देखते हुए। तो अगर हम इस फोन को देख लें क्या इसमें अच्छी चीज आपको मिल जाएगी, तो पहले डिस्प्ले इसका देख लें कि 720 पिक्सल रेजोल्यूशन वाला डिस्प्ले दिया जा रहा है, 6.5 इंच का LCD वाला डिस्प्ले है इतनी ज्यादा प्राइस के अंदर। तो 2020 का लास्ट क्वार्टर तो ओप्पो रियलमी की जानब से बेकार ही जा रहा है, जबकि इसके पुराने जो फोन है वो अच्छी स्पेसिफिकेशन दे रहे हैं इस प्राइस रेंज के अंदर। 90Hz का रिफ्रेश रेट आपको दे दिया जिसको आप लेकर क्या करेंगे, इतना खास आपको फर्क देखने को तो नहीं मिलेगा, बल्कि आपकी बैटरी ज्यादा ये इस्तेमाल करेगा, और जो प्राइस में ये फोन आया उस तरह का डिस्प्ले आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। स्नैपड्रैगन का 662 वाला इसमें प्रोसेसर लगाया गया है, ना तो ये गेमिंग के लिए प्रोसेसर इतना अच्छा है, और ना ही इसमें आप नॉर्मल यूज के लिए जितनी प्राइस खर्च रहे हैं उस तरह का आपको मजा मिलेगा। तो प्रोसेसर अच्छा आप तब कह सकते हैं जब ये फोन 20-25 हजार तक हो, जब 40,000 की प्राइस में आप जाते हैं तो इससे बहुत ही तगड़े तगड़े आपको प्रोसेसर मिलते हैं, जो कि आपको सैमसंग के फोन और शोमी के फोन भी प्रोवाइड कर रहे हैं। 8GB की इसमें आपको रैम मिल जाती है, 128GB की स्टोरेज है, LPDDR4X रैम और UFS 2.1 वाली स्टोरेज टाइप है, और बैक पे जो कैमरे हैं वो चार हैं, जिसमें मेन कैमरा 64 मेगापिक्सल का है, और ये स्पेसिफिक लेंस कोई भी नहीं है बल्कि ये पिक्सल बीइंग टेक्नोलॉजी वाला ही लेंस है। इधर आपको 64 मेगापिक्सल का एक मोड मिलेगा पिक्चर लेने का, अदरवाइज ये 16 मेगापिक्सल वाली वीडियो रिकॉर्ड करेगा। फ्रंट पे आपको 16 मेगापिक्सल का ही कैमरा मिलता है, इधर मैक्सिमम आप फ्रंट और बैक कैमरा से जो वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं वो 1080p में है 30fps तक, और 4K वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते इस वाले कैमरास के जरिए आप। फिंगरप्रिंट स्कैनर वगैरह इसमें सभी सेंसर आपको मिल जाते हैं, 5000mAh की बैटरी है, 18W का साथ में फास्ट चार्जर है, जबकि इसके मुकाबले में अगर आप कोई फोन लेकर आते हैं तो पोको X3 NFC वाला फोन है, बहुत ही तगड़ा फोन है। ये वाला चिपसेट आपको सैमसंग 70,000 की प्राइस तक दे रहा है, यानी बल्कि सैमसंग से भी अच्छा आपको पोको वाले फोन के अंदर चिपसेट दिया जा रहा है सिर्फ 37,000 की प्राइस में, यानी कि डिस्काउंट वगैरह करके आपको ये फोन 37-38,000 तक मिल जाता है। स्नैपड्रैगन 732G वाला चिपसेट मिल जाता है, और ओवरऑल डिस्प्ले भी इससे अच्छा ही है, उधर 120Hz का रिफ्रेश रेट है, 6GB की रैम है, 128GB की स्टोरेज है, और प्रोसेसर के साथ काफी अच्छा कॉम्बिनेशन आपको देगी। अगर आपको पोको या शोमी का फोन पसंद नहीं है तब आपको मैं दूसरे ऑप्शन बताऊं तो टेक्नो कैमन 16 अभी आया, 33-34 हजार की प्राइस में मिल जाता है, 8GB रैम है, 128GB स्टोरेज है, प्रोसेसर भी इससे काफी तगड़ा उधर आपको मिलता है, गेमिंग भी इधर आप कर सकते हैं और कैमरे भी ठीक मिल जाते हैं, और इन्फिनिक्स 08i वाला फोन भी आप ले सकते हैं जो कि सेम स्पेक्स देता है, 8GB रैम, 128GB स्टोरेज, G90T का चिपसेट। और अगर आपको चाइनीज ब्रांड नहीं पसंद, वैसे है तो रियलमी और ओप्पो भी चाइनीज ब्रांड ही, तो फिर आप सैमसंग का इससे अच्छा है कि फोन ले लें, सैमसंग A31 40,000 की प्राइस में आपको सैमसंग A51 6GB रैम वाला थोड़ा यूज्ड के अंदर 40,000 की प्राइस में इजीली मिल जाएगा, या फिर आपने नया फोन लेना है तो वीवो का S1 Pro ले सकते हैं, जो कि अभी जो लेटेस्ट फोन आ रहे हैं उनसे तो कम से कम अच्छा है, सुपर एमोलेड का डिस्प्ले है, स्नैपड्रैगन का चिपसेट है 665 वाला, 8GB 128GB के साथ मिलता है, तो वो भी फोन इसके मुकाबले में काफी अच्छा है। तो आप लेटेस्ट फोन की तरफ अगर आपने जाना है तो वेट रखें, और भी फोन आएंगे, रेडमी जैसे ही ये नोट 10 सीरीज लॉन्च करेगा तो बहुत सारे फोन कम प्राइस में आपको देखने को मिलेंगे, अभी इनकी हवा खराब हुई हुई है। Redmi Note 9 सीरीज आई थी तो Realme ने कैसे अच्छे फोन आपको दिए थे, Realme 6 और 6 Pro, तो आप वेट कर सकते हैं, 2021 के अंदर बहुत सारे फोन आने वाले हैं सैमसंग Redmi वगैरह के, तो इसको आप स्किप ही करें तो अच्छा रहेगा आपके लिए। तो यह था दोस्तों मेरा ओपिनियन इस फोन के बारे में, इसकी प्राइस बहुत ही ओवर प्राइस्ड लॉन्च की गई है, जो था असली सच आपको बताना भी जरूरी था। कैसी लगी आपको वीडियो मुझे कमेंट में जरूर बताना, लाइक कर देना वीडियो को, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना, कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।